आपका स्वागत है दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। हाय फ्रेंड्स, मैं आकाश। ये जो 100 रूल्स हम लोग जो कर रहे हैं इंग्लिश का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द 6th वीडियो। आप ज़रूर देख लीजिए, इससे पहले 5 वीडियो अपलोडेड है। तो चलिए ये 6th वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्या है। तो देखिए 51 में हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैरक्स, हेडक्वार्टर्स, वेयर अबाउट्स, आर्म्स, ऐसे जो वर्ड्स हैं, टेक अ सिंगुलर वर्ब एज वेल एज प्लूरल वर्ब। ये सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लूरल भी ले सकते हैं, कोई गलती नहीं है। तो इसी में देखिए यही जो है एसएससी क्या करता है, इसी में आपको ये कर दे, जैसे आप हेडक्वार्टर्स हैं, इवेनो इसमें इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। आप सोचोगे अरे नहीं हेडक्वार्टर्स है तो आर ही होगा, लेकिन इज भी हो सकता है, तो वहाँ पे नो एरर भी रह सकता है। तो ये आपको फंसाने के चक्कर में एसएससी दे सकता है, तो ज़रूर इसको याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 52 देख लेते हैं। डोंट गेट कन्फ्यूज बाय द वर्ड्स दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट, दे डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट। ये अच्छा से समझिए, जैसे समझिए द डॉग, ठीक है, कॉमा देखे Who is chewing on my jeans? देखिए जीन्स है, इज यूजली वेरी गुड, मतलब ये जो सेंटेंस बना, ये आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई इफेक्ट नहीं कर रहा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एग्रीमेंट। द डॉग है, फिर उसके लिए इज होगा, तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इन्वर्टेड सेंटेंस कभी कभी यूज होता है, क्या कब यूज होता है देख लीजिए। यूजुअली इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट ऑलवेज प्रिसाइड द वर्ब, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आता है, बट समटाइम्स दे कैन रिवर्स द ऑर्डर, रिवर्स भी हो सकता है, इन्वर्टेड जो हम लोग बोलते हैं, इन्वर्टेड जो होता है, सो दैट द वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। तब क्या होता है, वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। जैसे थ्रू द हावड़ा ब्रिज पासेस थाउजेंड ऑफ व्हीकल्स एवरी डे, ये गलत है, करेक्ट क्या होगा, थ्रू द, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो है आपका करेक्ट क्या होगा, थ्रू द हावड़ा ब्रिज पास थाउजेंड ऑफ व्हीकल्स एवरी डे, ठीक है, तो ये इन्वर्टेड हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद 54 में आ जाइए। व्हेन एज वेल एज अलोंग विथ टुगेदर विथ नो लेस देन इन एडिशन टू एंड नॉट एंड विथ ज्वाइन टू सब्जेक्ट, जब हम लोग इसको दो सब्जेक्ट से ज्वाइन करते हैं, द वर्ब विल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग में होता है। जैसे राम हम लोग ऐड कर रहे हैं एज वेल एज हीज 10 फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं राम के साथ एज वेल एज 10 फ्रेंड्स, तो राम सिंगुलर है, 10 फ्रेंड्स प्लूरल है, लेकिन ये क्या हो जाएगा देखिए, आर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को क्या पता है जब इससे करते हैं एज वेल एज अलोंग टुगेदर इसका, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, मतलब राम के हिसाब से होगा, तो राम एज वेल एज हिज 10 फ्रेंड्स इज गोइंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जरूर देख, बहुत बार ये आपका एसएससी ने पूछा है इस ये फॉर्मूला से, तो याद रखिए। उसके बाद देखिए अ ग्रेट मेनी इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, या अ ग्रेट मेनी जब यूज होता है वो हमेशा प्लूरल ही होता है, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैव बीन हो जाएगा, अ ग्रेट मेनी उसके साथ स्टूडेंट्स कर दीजिए और जो आपका ये होगा हैव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट दैट इज नियर, जो नज़दीक में होगा उसी का होगा, जैसे आइदर रमेश और आई, ये आई है तो ये आर नहीं होगा, इसके साथ क्या होगा एम होगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं, वन ऑफ ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल नाउन, ये भी याद रखिए, वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन होता है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डे इन माई लाइफ, ये नहीं होगा, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज इन माई लाइफ होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 58, स्कर्सली एंड हार्डली आर फॉलोड बाई वेन एंड नॉट बाई दैन, देखिए स्कर्सली एंड हार्डली के साथ और वेन होता है, दैन नहीं होता है, ठीक है, ये दैन नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा वेन होगा। आई हैड स्कर्सली एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग, हार्डली हैड ही सीन हिज फादर व्हेन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, या स्कर्सली हैड द एंटर द रूम व्हेन द लाइट केम, या अब ये बिकॉज हार्डली हैड ही रीच द स्कूल व्हेन इट बिगैन टू रेन, ठीक है। उसके बाद देखिए 59 का क्या बोला, दो इज फॉलोड बाई, ये तो हम लोग को पता है दो के साथ हमेशा ये फॉलो होता है बट नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 60 का, नो सूनर इज फॉलोड बाई नाइन, नो सूनर के बाद हम लोग हमेशा दैन लगाते हैं, जैसे नो सूनर हैड आई एंटर द क्लासरूम दैन द स्टूडेंट स्टूड अप। अच्छा, और एक चीज़ ये हमेशा याद रखिए, जब हैड लगता है तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपका होगा, नो सूनर के साथ हम लोग डिड भी लगा सकते हैं, नो सूनर के साथ हम लोग हैड भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो दोनों ही लगा सकते हैं, हैड होगा तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, डीड होगा तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, बस ये याद रख लीजिए, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए दिस इज़ द सिक्स वीडियो, इससे पहले 5 वीडियो अपलोडेड है, ज़रूर देख लीजिए उसको। और मैं CHSL का क्लासेस करा रहा हूँ, तो ये इंग्लिश का स्पेशल अभी क्लास चल रहा है, तो ज़रूर आप बने रहिए CHSL के लिए। इसके बाद GD का भी है, GD कांस्टेबल का है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, एंड जो जूनियर इंजीनियर का वो भी है, तो इस पूरा वीडियो मैं करूँगा। तो देखिए जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना मुझे इंटरेस्ट लगेगा वीडियो बनाने में, तो ज़रूर सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए, मुझे मैक्सिमम लाइक्स चाहिए दोस्तों। आप जितना लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए, तो मैक्सिमम लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कौन सा वीडियो चाहिए, मैथ्स का, इंग्लिश का, GK का, रीजनिंग क्या चाहिए ज़्यादा टॉपिक, इवन आप अगर टॉपिक भी स्पेसिफाई कर दें तो मैं आपके लिए उस वीडियो के ऊपर जितना मुझे मैं बन पाता है या मेरा नॉलेज है मैं ज़रूर आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, और जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर मत सोचिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।